तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं सोनू पाल, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट फर्स्ट पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो हम लोग आज चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि मेडिकल कब होने वाला है। आप सभी बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि मेडिकल कितने दिनों में होगा और कब होगा, तो आज इसी पर हम लोग आज बात करेंगे दोस्तों कि मेडिकल कब होने की संभावना है और आपके पास कितने दिनों का समय बचा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। जो भी आपका डाउट होगा मेडिकल से रिलेटेड वो हम इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेडिकल से रिलेटेड कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप एक बार हमको बता दीजिए कि क्या क्या किस किस हम लोग टॉपिक पे वीडियो लाना है। वो अगर आपका चाहेंगे, अगर आप लोग बोलेंगे, तो हम एक लाइव सेशन मेडिकल से रिलेटेड हम कर देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज के टॉपिक पर हम लोग डील करते हैं, बात करते हैं कि आज आप लोग का मेडिकल कब होने वाला है। देखिए, आप अगर SSC के साइट पे जाइएगा, आप SSC का GD का नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिएगा, तो वो जहाँ पे जो लिस्ट दिया हुआ था आप लोगों का कब कैसे होगा, तो उस समय आप लोगों को लिखा हुआ था कि टेंटेटिव, वहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि टेंटेटिव डेट आप लोगों का लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है मेडिकल का जो डेट लिखा हुआ है, DME का आपका लिखा हुआ है, वो आपका टेंटेटिव डेट लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है आप लोगों का अगस्त में, ठीक है। डेट ऐसा फिक्स नहीं लिखा हुआ है, लेकिन लिखा हुआ है कि अगस्त में। और उम्मीद है कि जहाँ तक हमको ऐसा लगता है, जहाँ तक अभी जो भी बात चल रही है, जो भी ऐसा लग रहा है, अभी माहौल ऐसा लग रहा है, लेकिन उस तरह हमको लगता नहीं है कि अभी आप लोगों का मेडिकल होने वाला है, ठीक है। हो सकता है कि अगर अगस्त में स्टार्ट हो, अगर SSC बोली है, ऐसा लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि अगस्त के लास्ट तक आप लोगों का मेडिकल स्टार्ट हो जाए, ठीक है। और जहाँ तक मेरी बात है, जहाँ तक मेरी राय है, हमको जहाँ तक लगता है वो कि आप लोगों का अगस्त में आप लोगों का मेडिकल नहीं होगा, वो आप लोगों का नेक्स्ट मंथ यानी कि सितंबर में आप लोगों का मेडिकल हो जाएगा, ठीक है। कंफर्म डेट आप लोगों को बता रहे हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहा है कि सितंबर के फर्स्ट वीक या फिर मिड वीक में आप लोगों का मेडिकल वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग अपना देख लीजिएगा कि कितना समय आप लोगों के पास बच रहा है, क्योंकि आप लोग बहुत सारा कमेंट कर रहे थे कि सर हमको ये सर्जरी कराना है, ये दिक्कत है, ये वो दिक्कत है, कैसे ठीक कराएं। तो दोस्तों देखिए, आपके पास अभी, आप राउंड फिगर में भी लीजिएगा तो आपके पास अभी भी 50 से 60 दिन का समय बचा हुआ है, ठीक है। अगर मान ली SSC अगर अगस्त में ही मेडिकल करा लेती है, जो भी कही है वो, लेकिन अगस्त में भी अगर करवाना होगा तो वो लास्ट अगस्त में कराएगी, 20 तारीख के बाद ही आप लोगों का वो जो मेडिकल का प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। क्योंकि अभी आप लोगों का फिजिकल खत्म हुआ है, फिजिकल को कंप्लीट करने में, प्रोसेस करने में कितने बच्चे क्वालिफाई किए हैं, लिस्ट बनाने में, क्योंकि आपको भी पता है कि मेडिकल के जो जिनका भी मेडिकल होगा वो उनके लिए भी एक लिस्ट निकाला जाएगा, फिर वो मेडिकल देने जाएंगे, क्योंकि सभी कैंडिडेट का जो मेडिकल नहीं होता है, ठीक है। दो बार लिस्ट आता है, एक बार मेडिकल का लिस्ट आता है, उसके बाद जो बच्चे मेडिकल क्वालिफाई कर लेते हैं उसमें से भी फिर उसके बाद एक मेरिट लिस्ट आता है, ठीक है। तो ये सब जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस में थोड़ा सा आप लोगों का समय लगता है, ठीक है। तो इतनी जल्दी आप लोगों का मेडिकल नहीं होने वाला है, होगा अभी तो अगस्त के एंड में होगा या फिर सितंबर में होगा। तो जो भी लोग पूछ रहे थे कितना समय बचा हुआ है और हम क्या करें, मेरा ये प्रॉब्लम है, ठीक है, वेरिकस वेन है, क्या बोलते हैं, हाइड्रोसील है, आई प्रॉब्लम है, स्किन पे है, जो भी कुछ है, आप लोग हम एक ही राय देंगे आप लोगों को, मेरे टीथ में, दांत में दिक्कत है या फिर कुछ भी, तो हम एक ही राय आप लोगों को देंगे कि आप अभी आपके पास समय बहुत ज़्यादा समय बचा हुआ है दोस्तों। आप किसी भी चीज़ की अगर सर्जरी भी कराएंगे ना, तो आपको 30 से 35 दिन का समय लगता है उसको रिकवरी होने में, 40 दिन का मैक्सिमम। और आपके पास अभी समय कितना बचा हुआ है, 50 से 60 दिन का भी आपके पास समय बचा हुआ है। अगर कोई भी दिक्कत है आप में, किसी तरह कोई आपको डाउट लगता है कि हमको इसमें छांट दिया जाएगा क्या, और एक बात हम आपको क्लियर कर दें, जिनका भी टैटू से रिलेटेड क्वेश्चन था वो हम आपको इस वीडियो में हम क्लियर कर देते हैं, ठीक है। जिनका भी राइट हैंड में 1 इंच से ज़्यादा बड़ा टैटू है, अगर 1 इंच का टैटू है तो वो चलेगा, अगर वो धार्मिक टैटू है, ठीक है, तो वो आप लोग का चल सकता है, ठीक है, लेफ्ट हैंड में, ठीक है। राइट हैंड में अगर टैटू है तो आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको एक तस्वीर भी आपको हम दिखा देंगे कि इस तरह का टैटू बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। जिनका भी ये टैटू था, हमको मेरे पास ये फोटो आया था, देख लीजिए, आप टैटू देख लीजिएगा, जो भी अभी बगल में आपका आ रहा होगा वो टैटू देख लीजिए, इस तरह का टैटू बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और बॉडी में किसी पार्ट पे भी आपका अगर टैटू है तो आप उसको रिमूव करवा लीजिए, लेजर सर्जरी होता है, आप अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में पता करें, कहीं भी आपको डॉक्टर से पता करें कि ये ट्रीटमेंट कहाँ होता है। लेजर सर्जरी के माध्यम से चाहे वो टैटू हो चाहे वो गोदना हो, वो दोनों चीज़ रिमूव कर लिया जाता है, और रिकवरी के लिए अभी आप लोगों के पास समय है, 60 दिन का समय है, आप उसको रिकवर कर सकते हैं किसी भी तरह का। हम सिर्फ टैटू के बारे में आपको बता दें, क्योंकि टैटू के बारे में बहुत ज़्यादा सवाल था, ठीक है, तो टैटू के बारे में आपको हम बता दिए
जिस भी जो भी आपको दिक्कत हो, चाहे वो स्किन से प्रॉब्लम हो, चाहे तिथ से प्रॉब्लम हो, चाहे वेरिकस वैन हो, चाहे हाइड्रो, किसी भी तरह का दिक्कत हो, आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, मिल लें उनसे, जो भी वो राय देते हैं आप उसको जरूर से फॉलो कीजिए। और अभी आपके पास हम फिर से कहेंगे दोस्तों कि ये लास्ट मौका है, इसके बाद अभी आप देख रही है सिचुएशन किस तरह से खराब होने वाला है, ये आपके पास लास्ट मौका है जीडी के लिए, आप जाके अपना बिल्कुल फिट होके जाएं, अपना मेडिकल जो भी देने जाएं बिल्कुल फिट होके देने जाएं, क्योंकि री मेडिकल आप लोगों को पता है कि री मेडिकल में आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है, नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर ही आप लोगों का री मेडिकल भी हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों कि आपको मेरी बात जो है कि अच्छी लगी होगी, समझ में आ रही होगी हम जो कहना चाह रहे हैं, और जो भी आपके मन में डाउट है, जो भी हम लोग से पूछते हैं कि इस तरह से प्रॉब्लम हो सकता है क्या, बिल्कुल जो भी प्रॉब्लम है वो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, हो सके अगर हमसे जितना हो पाता है वो हम आप लोग को बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉक्टर से आप ज़्यादा कंसल्ट करें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करेंगे दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और जो भी कैंडिडेट हैं कम से कम अपने दोस्तों को, सहपाठियों को ये वीडियो सेंड करें, वो भी उनका भी डाउट होगा कि कब से मेडिकल स्टार्ट होने वाला है और कितना समय बचा हुआ है। तो आप लोग ये आप प्रिपरेशन करते रहें, प्रिपेयर होते रहें, और इस बात का जरूर से विशेष ध्यान दें कि आपको कहीं चोट घाट ना लगे, क्योंकि जिनका भी हाथ पैर फ्रैक्चर है, ठीक है, तो उनका मेडिकल अनफिट होना तय है। ठीक है, इसलिए अभी से आप ज़्यादा इधर उधर ना करें, थोड़ा सा ध्यान से अगर गाड़ी चलाते हैं तो ध्यान से चलाएं, क्योंकि अभी अगर आपका पैर हाथ टूट जाता है तो वो रिकवरी 60 दिन में नहीं हो पाएगा, ठीक है, और वो पता चल जाता है। ठीक है, क्योंकि पैर हाथ टूटने के बाद प्लास्टर करने के बाद है जो है वो पता चल जाता है, उसके बाद री मेडिकल में आप लोगों को फिर दिक्कत हो जाए, क्योंकि फ्रैक्चर होने के कारण री मेडिकल में भी आप लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है दोस्तों। तो इसीलिए आपसे हम जरूर निवेदन करना चाहेंगे कि आपके पास लास्ट समय है, नंबर भी अच्छा आया हुआ है, फिजिकल भी क्वालिफाई कर लिए हैं, रिटर्न भी क्वालिफाई कर लिए हैं, थोड़े दिन की और सब्र है, आप उसको सब्र कर लें, क्योंकि मेडिकल क्वालिफाई कर लीजिए एक बार, उसके बाद आपको जो करना होगा आप कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं आप अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।